Dear Honorable Prime Minister, I am Anamitra Mohanta from Assam. Sir, we are seeing many uses of Digital India in our day-to-day lives, including education. How do you see its impact on our country and all people? That concludes my question. Thank you. सर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डिजिटल इंडिया के कई उपयोगों को देख रहे हैं, जिसमें शिक्षा भी शामिल है. आज हमारे देश और यहाँ के लोगों में इसकी वजह से क्या बदलाव आप देख रहे हैं, माननीय, कृपया बताएं. देखिए, मानव निरंतर विकास करता रहा है. टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा है. नए नए इनोवेशंस ने मानव जीवन को लगातार बदला है. लेकिन आज से 40 साल पहले जिस रफ्तार से दुनिया बदली, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ने दुनिया को पिछले 200-300 साल में बदलते बदलते जहां लाकर के खड़ा कर दिया था, पिछले 40-50 साल में टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा जंप लगाया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. अगर पिछले 200-300-400 साल की तुलना में देखें तो इन 40-50 साल एक क्वांटम जंप है, नए डायमेंशंस हैं. और वो स्पेस हो, समुद्री तह की बात हो, धरातल की बात हो, और डिजिटल वर्ल्ड ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. अब आज मैं आपसे इतना आराम से बात कर पा रहा हूं. मैं श्रीनगर में बैठा हूं और श्रीनगर से मैं हिंदुस्तान के हर कोने में 2.5 करोड़ नौजवानों से शिक्षा के संबंध में बात कर रहा हूं. यही सबसे बड़ा प्रभाव है. अभी आपने देखा बांदीपुरा में एक बीपीओ का उद्घाटन हुआ और पहला बीपीओ. अब ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है. डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा, अब आप देखिए, हमारा आधार एक प्रकार से डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा है. दुनिया को जब मैं कहता हूं कि हमारे पास 120 करोड़ लोगों का इतना डिटेल हमारे पास डेटा है, जगत के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है. ऐसी वेल्थ है हमारे पास. ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है. हम जैम ट्रीटी शुरू की है भारत सरकार में. जैम ट्रीटी के द्वारा आधार, मोबाइल, जनधन, कोई भी सामान्य व्यक्ति सरकार को कोई सामान बेचना चाहता है, गांव गरीब होगा, वो ऑनलाइन आएगा, बेच सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में आज इतनी भांति भांति ऐप्स अवेलेबल है और कई तो बहुत बिना खर्च किए हैं. उसके कारण विद्यार्थी नई नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐप के माध्यम से बाप के कुछ होमवर्क कर ले. शायद हो सकता है एक सामान ऐसा आएगा कि जो ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस की दुनिया ही खत्म हो सकती है. इतनी ताकत ये डिजिटल इंडिया में है. डिजिटल वर्ल्ड ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल किया है. ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बड़ी ताकत डिजिटल वर्ल्ड की है. अरे, एक प्रकार से शिक्षा नहीं, समग्र जीवन व्यवस्था में एक प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड हमारे शरीर का एक नया हिस्सा बन गया है. हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति बन गई है. और इसलिए इसका प्रभाव, हम उसका सही उपयोग कैसे करें, अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए कैसे उपयोग करें, इस पर अगर हम बल देंगे तो ये डिजिटल पावर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे सामान्य. दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन. हम गरीब से गरीब व्यक्ति तक दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी उसके लिए बहुत बड़ा रोल कर सकती है. और मैं देख रहा हूं कि बहुत नौजवान वर्चुअल लैब के द्वारा आज बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वैसे ही वो पढ़ पाते हैं जैसे एक्चुअली लैब में जाकर के उन्होंने काम किया. उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. 3D प्रोजेक्शन के कारण आज विद्यार्थी, अगर उसको हार्ट के संबंध में पढ़ना है, पहले टीचर कितना ही समझाते थे, आज अगर 3D उसको दिखा दें तो तुरंत उसको समझ आ जाता है, हाँ, हार्ट ऐसे काम करता है, और बच्चा उसको रिसेप्टिव होता है. मैंने एक बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने एक छोटा सा सर्वे करवाया था.
कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में क्या इम्पैक्ट होता है, और वहाँ पर अगर हम डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाए तो क्या फर्क होता है। कुछ स्कूलें थी जहाँ स्मार्ट क्लासरूम बनाया था, कुछ स्कूल थी जहाँ स्मार्ट क्लासरूम नहीं था, मध्यान्ह भोजन पर बल था। स्मार्ट क्लासरूम थे वहाँ भी मध्यान्ह भोजन था, ठीक। अनुभव आया कि स्मार्ट क्लासरूम ने बच्चों को ऐसा आकर्षित किया था, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनको बड़ा मजा आता था सीखने का, आकर के बैठ जाते थे, उनको मध्यान्ह भोजन की परवाह नहीं थी, वो मध्यान्ह भोजन के लिए उनको खींच खींच के ले जाना पड़ता था, जबकि जहाँ मध्यान्ह भोजन था वहाँ पर उतनी बड़ी मात्रा में संख्या नहीं आती थी, वहां भी मध्यान्ह भोजन की रुचि नहीं थी, लेकिन स्मार्ट क्लास नहीं होने के कारण वो जाकर के बैठने में रुचि नहीं लेता था। अब ये जो प्रभाव है वो डिजिटल वर्ल्ड का है, और आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। थैंक यू।